हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यम्मी फूड व्लॉग। और आप सब लोग कैसे हो गाइस? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आप सबके पास और एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। और न्यू रेसिपी है ये रोज़े के महीने में बहुत लोग बनाते हैं और मैंने बनाया अलग तरीके से ये चाट। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ये ट्राई करके ज़रूर देखना। और मैंने इसे कैसे बनाया देखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो ये कैसे बनाया तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, तो ये छोला है। छोले को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था और आप सब देख सकते हैं पूरा फ्रेश है। और मैं इसे बॉयल करने दूंगी कुकर में, 3 सीटी के बाद हम लोग इसे निकाल लेंगे। सो गाइस, तो आप सब लोग देख ही सकते हैं अच्छी तरह से मैंने कुकर में दे दिया था और अच्छे से बॉयल हो गया है। तो आप ये देख भी सकते हैं बहुत अच्छे से नरम हो गया है। सो गाइस, तो अभी हम लोग दूसरे साइड आ गए हैं। यहाँ पर एक ग्लेंडर ले लिया, उसमें 1/2 कप ऑनियन और 1/2 कप टमाटर डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मेरा स्मूथ पेस्ट हो गया है। एक कढ़े में मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल के, एकदम थोड़ा सा डाल के जो मैंने पेस्ट स्मूदी बनाया था वो मैं दे दूँगी। सो गाइस, तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाला ऐड किया है लेकिन वो थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है मेरा। मैंने क्या क्या डाला है मैं आप सबको बोल देती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और जीरा पाउडर भी 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी दे दिया है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, तो यहाँ पर सब कुछ मिक्स करने के बाद हम लोग जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल देंगे हम लोग इधर 1 चम्मच। सो गाइस, तो ये रेडी होने के बाद हम लोग इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी हम लोग। फिर हम लोग कुछ देर बाद धनिया का पेस्ट मैंने बनाया था धनिया का, तो वो मैं 1 चम्मच डाल दूँगी। डालने के बाद अच्छी तरह से हम लोग इसको भी मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से पका रही हूँ। जब तक मैं पका रही हूँ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, तो मेरा ये अच्छी तरह से पक गया है। अभी मैं इसमें जो छोला था वो मैं पूरा डाल दूँगी। डालने के बाद हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइए। गाइस, तो ये मेरा पूरा रेडी हो गया है। इधर मेरा जो मैंने अभी बनाया था वो दाल है और आप सबको पता है ये चना के दाल है, चना है ये। सो चने को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था तो वो भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग आज दोनों तरीके से चाट बनाएंगे रोज़े के महीने में। पहले हम लोग चने का बनाएंगे। एक प्लेट में मैं थोड़ा सा चना ले लूँगी। फिर हम
हम लोग एक कप के आसपास जो क्यूकम्बर है उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप्ड कर लिया है वो दे दूंगी। फिर हम लोग हाफ कप टमाटर देंगे और हाफ कप ऑनियन देंगे। तो इन सब को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा मिर्च डालूँगी और फिर मैं स्वाद के अनुसार मैं नमक दूंगी। फिर हम लोग कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे। फिर हम लोग डालेंगे लेमन, जो 1 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। तो फिर पूरा डालने के बाद हम लोग अच्छी तरह से हाथों से अच्छी तरह से हम लोग उसे मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइए, आप भी कैसे बनाते हैं आप भी सीख जाएंगे। तो मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। तो ये हो चुका है मेरा, रेडी हो चुका है मेरे चने का जो चाट है वो मैंने बना लिया है। तो अभी है प्लेट में सर्व करने की बारी। सो गाइस देख सकते हैं कितना टेस्टर यम्मी और खट्टा जैसा चाट बना है। अभी जो दूसरे वाला मैं छोले का बनाया था तो वो भी मैं एक प्लेट में डाल दूंगी। उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चन्ना भी इसमें हम लोग मिक्स करेंगे। फिर हम लोग हाफ कप ऑनियन देंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर का लीव्स या धनिया लीव्स भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग मिर्ची डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, आप सब जैसे मिर्ची खा सकते हैं वैसे ही डालेंगे। फिर हम लोग डाल देंगे लेमन 1 टेबल स्पून। फिर हम लोग इसे चम्मच के सहारे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस तो हमारा ये भी रेडी हो चुका है, हमारा छोले का चाट। और उसमें मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। सो आप ये भी देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है छोले का चाट। सो गाइस तो इसे भी मैं प्लेट में सर्व कर लूँगी। मेरा यहाँ पर भी रेडी हो चुका है छोले का चाट। तो आप सब लोग देख सकते हैं एक तरफ है चने का चाट और एक तरफ है छोले का चाट। तो आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। ऊपर में थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं थोड़ा सा चिली और थोड़ा सा प्याज रख दिया। तो ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना। और हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे अगला एक न्यू रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।